नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। नए साल से लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए दूरसंचार विभाग ने एक नए नियम की घोषणा की है। इस नियम के तहत अगर आप लैंडलाइन नंबर से मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको नंबर डायल करने से पहले जीरो को भी डायल करना जरूरी होगा। जीरो नहीं डायल करने पर नंबर नहीं लगेगा। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की सिफारिशें स्वीकार करते हुए नया नियम लागू करने का फैसला किया है। 15 जनवरी से ये नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा। नियम लागू होने के बाद नंबर से पहले जीरो नहीं लगाने वाले लोगों को एक रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज सुनाई देगा। आपको बता दें, नियम लागू होने से पहले भी आउट स्टेशन मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए जीरो डायल करना पड़ता है। आपको बता दें, ये नियम मोबाइल फोन से मोबाइल फोन पर कॉल करने पर लागू नहीं होगा, यानी मोबाइल से कॉल करने पर जीरो लगाने की जरूरत नहीं होगी। भारत में अभी 10 अंकों के मोबाइल फोन नंबर इस्तेमाल होते हैं। 0 और 1 से शुरू होने वाले नंबर स्पेशल सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहले ज्यादातर मोबाइल नंबर सीरीज की शुरुआत 9 से होती है और अब 8, 7 और 6 अंक से शुरू होने वाले नंबर भी आ चुके हैं। इन सभी कॉम्बिनेशन की बात करें तो देश में इस समय कुल 115 करोड़ मोबाइल नंबर मौजूद हैं। मौजूदा समय में 9 से शुरू होने वाले मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन भी लगभग खत्म हो चुका है, यानी 9 से शुरू होने वाले अब और नंबर नहीं जारी किए जा सकते। इसी समस्या को दूर करने के लिए मोबाइल नंबर से पहले जीरो लगाने का फैसला किया गया है। TRAI ने सिम बेस्ड मोबाइल टू मोबाइल कनेक्शन के लिए भी 10 डिजिट के मोबाइल नंबर सीरीज की जगह 13 अंकों के मोबाइल नंबर के इस्तेमाल की सलाह दी थी। 31 अगस्त 2020 तक देश में 114.79 करोड़ वायरलेस सब्सक्राइबर्स यानी मोबाइल फोन उपभोक्ता हैं। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ लैंडलाइन सब्सक्राइबर्स की संख्या लगातार कम हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।